हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप के बारे में। सारे स्टूडेंट के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ आल के बटन पर क्लिक कर लें जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग आ चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी इंस्पायर स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर। फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट को अमाउंट आ जाने के बाद स्टूडेंट के दिमाग में एक ही डाउट बना रहता है कि सेकेंड ईयर में हमारा पेमेंट हमें कैसे मिले, इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, क्या इसके लिए हमें कोई डेट निश्चित होती है कि हम इतने दिनों के अंदर ही अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें या डॉक्यूमेंट कभी भी लगा सकते हैं, सेकेंड ईयर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और उनका क्या फॉर्मेट होना चाहिए जैसे कि बिना किसी गलती के सेकेंड ईयर का अमाउंट भी आपके खाते में आसानी से पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि आखिर में सेकेंड ईयर में हम अपने डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करें, क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, कब अपलोड किए जाते हैं और उनका क्या फॉर्मेट होता है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर वेबसाइट पर आ जाना है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, यहाँ पर अपना यूज़र आईडी डालना है, यहाँ पर पासवर्ड डालना है, ये कैप्चा डालकर आपको साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान दें, जो प्रोसेस अभी हम बताने जा रहे हैं वो फर्स्ट ईयर के लिए केवल दो डॉक्यूमेंट हटा दें, यानी आपका आधार कार्ड और बैंक पासबुक, और उसके बाद सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ये सब एक ही प्रोसेस बना रहता है। तो जो सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है तो आप बिल्कुल ऐसे ही अपना डॉक्यूमेंट ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी डालना है, यहाँ पर पासवर्ड डालना है, अगर आप भूल गए तो यहाँ पर रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड दोबारा जनरेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइन इन हम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमने साइन इन कर लिया और हम होम पेज पर अब पहुंच चुके हैं। आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे होंगे कि इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप, फॉलोशिप एंड फैकल्टी। आपको क्या करना है, अब स्कॉलरशिप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है, राइट तरफ आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है रिलेटेड लिंक। तो आपको रिलेटेड लिंक में नीचे आ जाना है, ऊपर आपको व्यू ऑफर लेटर दिख रहा होगा, नीचे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद बैंक डिटेल और आपको चौथा ऑप्शन आपको आसानी से आप देख पा रहे होंगे कि डॉक्यूमेंट फॉर BSc MSc। आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है जहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट फॉर BSc एंड MSc। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होता है आपकी स्क्रीन पर। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ डॉक्यूमेंट फॉर ईयर, यहाँ पर चूज़ कर लेना है सेकेंड ईयर। अगर आपका थर्ड ईयर है तो आप थर्ड ईयर चूज़ कर लेंगे, अगर आपका फोर्थ ईयर है तो फोर्थ ईयर, जो भी आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे। इतना सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देने लगता है जहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि मार्कशीट, यानी आपको अपना मार्कशीट लगाना है सेकेंड ईयर की। तो यहाँ पर लिखा जा रहा है कि अलाउ फॉर्मेट PDF, यानी जो आपका फॉर्मेट होना चाहिए वो PDF फॉर्मेट का होना चाहिए और मैक्सिमम साइज़ जो कि आप PDF यहाँ पर मार्कशीट का बनाने जा रहे हैं उसका मैक्सिमम साइज़ 1 MB या 1 MB से कम होना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा है, अपलोड मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर ऑफ 1 ईयर इन सिंगल PDF। अगर आपका सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है तो आपका दोनों सेमेस्टर की मार्कशीट एक सिंगल PDF में, यानी दोनों पेज या दोनों आपका मार्कशीट एक सिंगल PDF में होना चाहिए, यहाँ पर आप लगा सकते हैं। उसके बाद अब आपको क्या करना है, और नीचे यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सेकेंड ईयर में आपको केवल दो डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, एक तो आपका सेकेंड ईयर की मार्कशीट एंड सेकेंड ईयर की परफॉर्मेंस रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने परफॉर्मेंस रिपोर्ट भरना नहीं सीखा है कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट सही से कैसे भरें, तो जहाँ पर आप कमेंट करते हैं कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप वहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि कैसे परफॉर्मेंस रिपोर्ट कहाँ से डाउनलोड की जाती है और कैसे भरी जाती है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपलोड जहाँ पर लिखा है वहाँ पर आपको अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अपलोड के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देने लगता है। अगर आप अपने मोबाइल, PC, लैपटॉप या जहाँ कहीं से भी इसे अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, डिपेंड करता है कि आप किससे आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको अपना फाइल्स में चला जाना है जहाँ पर आपने अपने मार्कशीट अच्छे से स्कैन करा के फॉर्मेट में रखी है, उस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आसानी से आपको अपलोड कर देना है।
वी आर प्रोसेसिंग ऐसा कुछ लिख के आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। इसका मतलब आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाया है यानी मार्कशीट लगाई है वो अपलोड हो रही है, और अपलोड होने के बाद ऐसा इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है, आपकी मार्कशीट यहाँ पर अपलोड हो चुकी है यहाँ पर। और उसके बाद में परफॉर्मेंस रिपोर्ट अपलोड कर लेते हैं, ये भी जब अपलोड होती है तो वी आर प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट प्लीज़ वेट का ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। ये लगभग ले लेता है 20 से 30 सेकेंड, डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट की स्पीड कैसी आ रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे दोनों डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर दिए हैं, ये देखिएगा यहाँ पर मार्कशीट की जगह मार्कशीट अपलोड कर दी है एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट की जगह परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऐड कर दी है। यहाँ पर आपको एक बार फिर से चेक कर लेना है कि हमारा मार्कशीट जगह मार्कशीट है और परफॉर्मेंस की जगह परफॉर्मेंस रिपोर्ट है कि नहीं है। तो यहाँ पर दोनों डॉक्यूमेंट हमने मार्कशीट की जगह मार्कशीट और परफॉर्मेंस रिपोर्ट की जगह परफॉर्मेंस रिपोर्ट यहाँ पर अपलोड कर दी है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसे सबमिट करने का, तो जहाँ पर आपको नीचे दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे होंगे, एक सबमिट का एक कैंसिल का, अगर आप सबमिट कर देते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट फाइनली सबमिट हो जाते हैं और अंडर प्रोसेसिंग CBS दिखाते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए हैं और ये अंडर प्रोसेसिंग है वेरीफिकेशन के। तो वेरीफिकेशन अगर प्रोसेस की बात करें तो वेरीफिकेशन प्रोसेस आपका अप्रोक्सीमेटली ले लेता है लगभग 15 से 20 दिन, डिपेंड करता है कि कब आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। तो फ्रेंड्स ये था तरीका सेकेंड ईयर में अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे किए जाएं, जिससे कि बिना किसी गलती के आपका स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट तक आसानी से पहुंच जाए। काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि जैसे फर्स्ट ईयर में हमारे पास मैसेज आया था ऑफ़र लेटर आता है, क्या सेकेंड ईयर में भी ऑफ़र लेटर है? तो ऐसा कोई ऑफ़र लेटर नहीं आता, आपका ऑफ़र लेटर केवल एक बार ही आता है। और आपको कब तक डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेने हैं इसका टाइम लिमिट भी होता है कि आपको इतने तारीख तक अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेने हैं। अगर आपको इस बारे में जानना है कि आपको कब तक आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं तो आप अपना ऑफ़र लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑफ़र लेटर में लगभग नीचे बाद सबसे लास्ट पेज में आपका सब कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया होता है कि आपको फर्स्ट ईयर में क्या अपलोड करना है, सेकेंड ईयर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और आप उन डॉक्यूमेंट को कितने तारीख तक अपलोड कर सकते हैं। तो यह पूरा सारा टर्म एंड कंडीशन आपके ऑफ़र लेटर में दिया गया होता है और स्टूडेंट क्या करते हैं जल्दबाजी में निर्णय लेकर अपना ये स्कॉलरशिप रुकवा लेते हैं और गलत कर देते हैं। तो आप अपना ऑफ़र लेटर को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, वहाँ सारा कुछ टर्म एंड कंडीशन दिए रखे हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट फर्स्ट ईयर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सेकेंड ईयर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, इसी प्रकार थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फाइव ईयर सारा कुछ टर्म एंड कंडीशन वहाँ पर एज टाइम लिमिट भी दे रखे हैं कि आपको कितने दिनों के अंतर्गत कब तक ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने चाहिए। टाइम लिमिट निकल जाने के बाद आप इसमें एलिजिबल नहीं रह पाते हैं तो विद इन टाइम करिएगा, जितनी जल्दी आप करते हैं उतनी जल्दी आपका अमाउंट आपके खाते में दिखाई देने लगता है। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसको सबमिट करने के बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस होने के बाद अप्रोक्सीमेटली 45 डेज़ बाद आपका अमाउंट आपके खाते में आ जाता है। ये डिपेंड करता है कि अगर कोई टेक्निकल इशू ना हो पाया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और इंस्पायर स्कॉलरशिप से रिलेटेड A to Z टॉपिक पर हमारे वीडियो आ चुके हैं, प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है, आप वहां पर जाकर सारी इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है जिसका आपको सलूशन नहीं मिल पा रहा है तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।